हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर चल चुका हूँ अपने नए व्लॉग के लिए। अभी मुझे भी नहीं पता कहाँ जाना है। मेरे मित्रों ने कॉल किया है, देखते हैं कहाँ की प्लानिंग बनती है। सो स्टे विद अस। बढ़ते हुए कदम, बस अभी वहाँ पर लोग मेरा कैब में इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पहुँचते ही देखते हैं किधर का प्लान बनता है। सो चल रहे हैं आगे एक तरह। मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं। ये हमारे एक समाज सेवी आ चुके हैं और बाकी का इंतज़ार है अभी। ये हमारी कैब आ चुकी है, तब हम इसमें बैठते हैं। गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम अपने सफ़र की तरफ चल दिए हैं। देखते हैं कहाँ जाते हैं। ये सब समाज से भी बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर। ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। हम घूमने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा जगह का नाम अभी सीक्रेट है, बता नहीं रहे हैं। ये बता नहीं क्यों हमें आज। ये गांव के रोड और खेत, बहुत प्यारा नज़ारा। मेरा मोबाइल काफ़ी हिल रहा है। ये रास्ते नज़ारों भरे, आनंद ले आप भी गांव में खेतों का और के बीच से गुजरता हुआ रास्ता। इस सफर का आनंद लेते हुए हमारे सारे समाज सेवी, ये हम हापुड़ में पहुंच चुके हैं। ये फ्लाईओवर है हापुड़ का, नीचे आपको शायद दिखाई दे रही होगी रेलवे लाइन जा रही है। तो कोई मतलब नहीं डीएल तो गाड़ी होगी सीज, जो मुरादाबाद कजरोला साइड की तरफ जाती है। 3 साल की कैद और उस पे उसके, मगर जब तक चलान, अब चलान ऐसे होने लगे, एक बार कट हो गया ना आपको पता भी नहीं लगती कि कितने का कटा कितने का। मार्केट 2 दिन बाद कन्फर्म होगा, पता लगा 500 का बता रहे थे, उससे 2000 रुपए का चलान काट दिया। हापुड़ तहसील भी बोलते हैं। भारत में 2 व्हीलर वाला पर्सन है ना, इतना वो नहीं है। सामने आपको दिख रही है गेट, वो तहसील। हापुड़ काफी बड़ा शहर और पुराना शहर है। यहाँ पर गुड़ मंडी फेमस है, सब्जी मंडी भी है, क्योंकि आसपास गांव से भरा हुआ है, तो यहाँ पर फलों का काम भी काफ़ी होता है। और यहाँ पर एक काम सबसे ज़्यादा होता है, ट्रकों की रिपेयरिंग और उनके साजो सामान। जैसे देखिए ट्रॉली की दुकान, यहाँ ट्रॉली बनती है नहीं, जैसे मैंने बताया कि लोहे का काफ़ी कमान, सॉरी लोहे का काफ़ी काम होता है यहाँ पर। फिर पड़ा था प्रेस का गाड़ी, फिर ये फ्लाईओवर पार करते हुए हम गडरोड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गलती थी, मैं मान रहा हूँ, 5000 का मायने रखता हूँ। मैंने कहा 500 में महापुड़ की तरफ आलू, आलू भी बहुत है, आलू भी ज्यादा। ये गुरुजी के मंदिर है, ये सब्जी के खेत है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है गोभी का खेत है, बंद गोभी लग रही है। मलिक साहब से पूछनी पड़ेगी। पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, गाड़ी को पार्क करने के लिए ले जाया जा रहा है। थोड़ा चलते हैं आगे हम। ये इधर कुछ फंक्शन चल रहा है। ये यहाँ पर यज्ञ चल रहा है।
ये लोग तिलक लगवा रहे हैं। चारों तरफ यज्ञ के धुएं की खुशबू फैल रही है। ये यज्ञ शाला की तरफ बढ़ते हुए हम ये खिचड़ी वाले बाबा के नाम से फेमस है जगह, और ये अंतिम आहुति के लिए सब आए हुए हैं। काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है वीडियो बनाने के लिए। ये यज्ञशाला जहाँ पर अंतिम आहुति दी गई है अभी खिचड़ी वाले बाबा की, अब आगे की तरफ अपनी नई जगह के लिए चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी मंजिल की। आस पास के नजारे हमारे यूट्यूबर है मिस्टर मनोज कुमार। मिस्टर मनोज, यस, हमारा रास्ता है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर जगह है ये, बाबा काफी वाले महाराज की कुटी है। अच्छा, वीडियो में शूट बड़ा अच्छा लग रहा है। अगर डेली के रोज के एक से रूटीन से बोर सको को, ये गोभी लगी हुई है, बंद गोभी। अच्छा, एक तोड़ के लाओ मित्र, इसको एक कैबेज बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा, बड़ा ही सुंदर नज़ारा, बड़ा आराम मिल रहा है यहाँ आकर। और ये हम एक मंदिर की तरफ जा रहे हैं जो कि सात मंजिल का है ये, और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब देखते हैं अंदर जाकर कैसा नज़ारा है। यहाँ साथी हैं परवीन जी, ये भैया के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। भैया आप आज अरविंद मलिक जी के साथ आए हैं, तो आपका क्या विचार रहा, क्या मतलब कि आपकी कुछ? देखिए यहाँ पे एक यज्ञ चल रहा है, और वो यज्ञ चल रहा है कि 41 दिनों से यज्ञ चल रहा है वो, और आज उसका पूर्ण समापन था। तो आज हम सब लोगों ने उसमें आहुति दी है, और आज इनका एक प्राचीन मंदिर भी है जो बहुत ही खेतों के बीच में बहुत ही सुंदर है, और अभी हम सब लोग उसको देखने आए हैं। तो आज बड़ा अच्छा लग रहा, आज गाँव में घूम करके खेतों के बीच में बहुत सुंदर, कई वर्षों बाद आज इस जगह आना हुआ है, और चाहते हैं हम भविष्य में भी ऐसी जगह दोबारा आए। धन्यवाद। किसी संत बाबा की तस्वीर है, उनका एक तरह से मंदिर बना हुआ छोटा सा। अब हम इधर की तरफ चलते हैं, इतने सुंदर फूल के पौधे लगे हुए हैं। और ये हमारे साथ अरविंद जी जो हमें गाइड कर रहे हैं, वो पहले यहाँ आ चुके हैं कई बार, तो अब हम मेन मंदिर में ले जा रहे हैं जो कि 7 मंजिल है, लगभग 5 या 7 मंजिल। तो हम मंदिर की तरफ बढ़ते हुए अब ये बता रहे हैं, हम ऊपर चलकर पूरे गांव का और आसपास का नज़ारा देखेंगे जो प्रकृति से भरा हुआ है। चलो अब हम चलते हैं, सीढ़ियाँ हैं काफ़ी, और सुबह से अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है। विंध्या जो बताएंगे इस
का जो मंदिर का इतिहास क्या रहा है, किसने इनको बनाया था, कौन यहाँ पर रहते थे, तो थोड़ा सा बताएंगे जी भाई साहब। हमारे महाराज श्री श्री 1008 श्री चक्रवर्ती महामंडलेश्वर आदरणीय परम पूज्य सद्गुरु उदासीन बाबा के श्री वाले महाराज। अच्छा अच्छा। वे एक बहुत महान संत थे, उनके माध्यम से ही उन्होंने फिर उनसे जो नीचे थे वे श्यामदास महाराज जी है, उन्हें गद्दी का अधिकारी बना के उनके माध्यम से ही ये सारा बनाया, उन्होंने बनाया। मैं दिखाता हूँ, ये बाबा खिचड़ी वाले महाराज जी का वो है। अच्छा अच्छा। ये हमारे जो गुरु पूर्णिमा वाले दिन यहाँ होश नहीं मिलता। अच्छा। देखो कितनी अच्छी अच्छी हवा आती है, अब जितना भी हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना उतना ही अच्छा मौसम हो जाएगा। अब हम ऊपर की तरफ चलते हुए जीने पर जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे तो आप ऊपर देखोगे कितना बढ़िया नजारा है। ये गांव का नजारा, उस पे तो डालो यार। ये हम सबसे ऊपर आ चुके हैं, ये ऊपर से मंदिर का नजारा और आसपास का। ओह सांस चढ़ गया सांस फूल गई है। और ये नीचे जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं इनमें सब में सब्जियां लगी हुई हैं। अरे ये जो है ये खाने पीने के लिए है, जब भंडारे चला इन इसमें लेडीज। और ये मंदिर का कंपाउंड और ये उधर रूम बने हुए हैं। कौन से दिन यहाँ पर लोग स्टे करते हैं जब मेला लगता है। यहाँ के जो किसान हैं अधिकतर सब्जियां उगाते हैं, जैसे कि हमारे गाज़ियाबाद एरिया में गन्ना लगाते हैं, लेकिन देखें यहाँ पर सभी किसानों ने सब्जियाँ उगाई हुई हैं, आलू गोभी पालक सरसों। बड़ा ही सुंदर नज़ारा। ये हम मंदिर के शिखर पर हैं। मनोज भाई मैं आपके वीडियो से कुछ माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। यस। यहाँ पे वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा पे मेला लगता है और मेला काफ़ी ही दूर दूर से दर्शक आते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि मुझे भाई अरविंद ने बताया कि यहाँ पे वर्ष में जो एक बार मेला भरा जाता है, भीड़ काफ़ी रहती है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप अगर जो वीडियो नीचे करेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्थान है वहाँ पे बैठने का, महिलाएं और पुरुष बैठते हैं। और पूरा आप जितनी दूर तक देख रहे हैं ये उस समय व्यक्तियों से भरा रहता है, भक्तों से भरा रहता है। तो काफ़ी ही दर्शनीय है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि मंदिर की ऊंचाई इतनी है कि मंदिर के अगर जो मनोज भाई हमारे कैमरे दूर दूर तक देखेंगे कि काफ़ी दूर तक का नज़ारा दिख रहा है। और सर्दियों का समय है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो अत्यंत ही रमणीय शोभा में देखते ही मन लुभावन सीन है। तो आज तो हमारा सौभाग्य रहा अरविंद भाई के माध्यम से कि गुरु जी के दर्शन हुए, और अच्छा रहा मनोज भाई हमारे साथ रहे। यूट्यूबर हैं, अपना चैनल चलाते हैं, इन्होंने वीडियो कवरेज करा। परवीन भैया हैं, भाई गुड्डू हैं, और टीम है हमारे साथ काफ़ी। तो अभी हम आहुति करके आए हैं दर्शन करके, और हमसे भाई अरविंद जी ने निवेदन किया कि गुरुजी का मंदिर है, 7 मंजिल मंदिर है, तो यहाँ पर काफ़ी ही सुंदर है, तो इसका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आसपास का नज़ारा, ये साफ हवा, काफ़ी अच्छी ट्रिप रही। अपने गाड़ी की तरफ निकलते हुए अमा नहीं, देसी घी में वो पनीर होगी, पनीर की सब्जी, देसी घी से निर्मित। सारे भैया उल्टे भैया, आप देखिए भोजन में देसी घी में रह रहा है चीज। नीचे की तरफ चलते हुए ये मंदिर का नीचे का दृश्य। मेरा माइक का जो आगे फोम होता है वो गिर गया है ऊपर से, तो मैं इसे देखने आया हूँ अभी यहाँ। चलो इस बहाने खेत में घुस जाएंगे, काफ़ी दिनों बाद ये बरसी लगी हुई है, अब इसमें घुसना पड़ेगा। चल आगे आ जाके। ये बाबूजी चकुंदर ले के पत्ते ले जाते हुए
प्रसाद ये अपने जानवरों के लिए ले जा रहे हैं ना, जानवरों के लिए ले जा रहे हैं ये खेतों से, तो उससे इनके जानवरों का पेट भरेगा। गांव के अंदर का दृश्य, यहाँ पर हम आए हुए हैं तो ये गांव है, यहाँ पर काफी बड़े बड़े घर हैं और गांव एकदम संपन्न लग रहा है। अंदर का दृश्य, लोगों की काफी अच्छी भीड़ और ये पूजा अपने समापन की तरह बढ़ते हुए, ये जगह खिचड़ी वाले बाबा के नाम से फेमस है। ये यहाँ पर लंगर चल रहा है, बच्चे खड़े हुए हैं और हम भी अब लंगर चखने के लिए बैठ गए हैं। ये श्रद्धालु बैठे हुए हैं और यहाँ ये ऊपर लंगर शुरू होने वाला है। ये पूजा अपने समापन की तरह बढ़ रही है, कुछ लोग ऊपर आ गए हैं। संतन चो मेरे देवा देवी, संतन चो व्योहारा, संतन चो हम नहा खाता, हर भक्ते भर छोड़ने के बाद जाकर हमारे साथी देते हैं। पिछलियां प्रेमियों थोड़ा थक गए हैं, सांस को नाम जपते रहो और शरीर से अपना काम करते रहो, जैसे हमारा कल्याण और सच्चे दरबार। ओम सा प्रसाद वितरण शुरू हो चुका है, राम जी सेवादार सेवा करते हुए लोगों को प्रसाद वितरण करते हुए, और हम भी अब अपना लंगर चखेंगे। और ये लंगर शुरू हो चुका है जयकारे के साथ। ये इनका भंडार घर है, लंगर ग्रहण करते हुए तुझे पहचान हो तो तू बच्चे बुजुर्ग औरतें आदमी सब लंगर का लुत्फ उठाते हैं। अब हम भी यहाँ से प्रस्थान करने के लिए से घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। ये सब हमारे साथी खड़े हुए हैं इंतजार में, एक साथी जी। काफी अच्छा रात का प्रोग्राम, काफी
ये अपने घर की तरफ चलते हुए हम अब अपने पार्किंग स्टैंड पर जा रहे हैं, तो उसके बाद हम घर के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़ा अच्छा लगा हमें आकर, बहुत ही सुंदर ये पार्किंग। सभी साथीगण गाड़ी में बैठ चुके हैं और घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हाँ, चलते हुए घर की तरफ। चलो छोड़ो, बहुत अच्छा लगा, गुड बाय। दूसरी गाड़ी है, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।